आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रहा है। बहुत जन सोच रहे थे कि कल जो है, आप सभी देख रहे होंगे केरला या फिर आप ले लो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगह जो है वो 31 मार्च तक जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, सिनेमा हॉल है, वो सभी को जो है वो बंद कर दिया गया है फाइनली। और बहुत जन सोच रहे थे कि भैया जो आपका कल से एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का, उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आज थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जो है वो निकल कर आ गया एसएससी की तरफ से। उनका कहना है कल एग्जाम पक्का होगा, यानी कल आपका एग्जाम है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है एसएससी के तरफ से ऐसे मौके पर जहां पर देश जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है कोरोना वायरस को लेकर, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोविड-19 नाम दिया गया है। और आप सभी को पता है इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक भी जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक भी जो है वो 675 मिलियन का जो है वो सहायता कर रहा है। वर्ल्ड बैंक नहीं, WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर वही बात करें वर्ल्ड बैंक, तो वो भी आपका 12 मिलियन जो है वो पैसा दे रहा है। तो और इंडिया में भी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग संगठन जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, डेली नया केस आ रहा है। लेकिन एसएससी का कहना है कल एग्जाम होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं क्या क्या बताया गया, सब बताते हैं sscnic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। आज के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वीडियो जो पीडीएफ का लिंक है ना, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्या क्या बताया गया मैं मोटा मोटी आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर बता दे रहा हूं। नॉर्मल बोला गया है आप सभी को कि आप सभी जो हैं, एक मिनट, आप सभी को बोला गया है कि किसी भी स्टूडेंट का जो है वो बायोमेट्रिक जो है, नो बायोमेट्रिक, आपका बायोमेट्रिक कल के एग्जाम में नहीं होगा। पहला स्टेप ये बोला गया है कि जो बायोमेट्रिक है वो आपके कल के एग्जाम में नहीं होगा। दूसरा बात बोला गया है नोटिफिकेशन में, जो थंब इंप्रेशन लगता है वो जरूरी है, वो आपको लगाना है, बायोमेट्रिक नहीं होगा। दूसरा बोला गया है आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन कल एग्जाम देने जाएंगे, अपना अपना मास्क वो लेकर जाएंगे। और एग्जाम के टाइम अगर आपको जरूरत पड़ा फोटो लेने के टाइम, तो फोटो लिया जाएगा, आपको मास्क हटाया जाएगा। और वाटर बॉटल सभी लेकर जाएंगे, अपना अपना, हो सके वहां पर वाटर बॉटल ना दिया जाए, तो अपना अपना बॉटल आप सभी लेकर जाएंगे, मास्क पहनकर जाएंगे। पेन, बॉल पेन, अलग पेन जो है वो बिल्कुल जो है आपको नहीं दिया जाएगा। और बोला गया है आप सभी को, कैंडिडेट विल अलाउ टू ब्रिंग देयर ओन मार्क्स टू बी ऑन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, हाउएवर मार्क्स विल हैव टू बी रिमूव्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ। ठीक है, आपको हटाना पड़ सकता है। उसके बाद बोला गया है इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर बोला गया, द कमीशन हैज ऑल्सो इशूड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू इट्स सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्लीनिंग। और हाँ, अपना सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हैं। और हाँ, जहां पर आपका सेंटर पड़ा है उन लोगों को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि बाथरूम वगैरह सब पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो एसएससी थोड़ा ध्यान भी दिया है इसके ऊपर, ताकि किसी को भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। प्लस एक बात और, जहां तक अगर मेरी राय मानोगे तो एग्जाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सभी को पता है हर एक सेंटर में इतना बड़ा एग्जाम है कि हर एक सेंटर में आप बोल सकते हो 3,000-4,000 बच्चे एग्जाम देने आएंगे। कौन कहां से आ रहा है, आप सभी को पता है सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो अलग अलग स्टूडेंट कहां से कौन आ रहा नहीं आ रहा, तो एक रिस्की वाला स्टेप हो सकता है जहां पर सब कुछ बंद किया जा रहा है। तो फाइनली आपको इस वीडियो में बताने का मोटिव यही था कि कल आपका एग्जाम जो है वो होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो डाउट मत रखिएगा कल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर देखो, जो अपने सपने को, अपने ड्रीम को लेकर बहुत चिंतित है, वो तो एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बहुत केयरफुली रहिएगा,
मास्क नहीं पहनते हैं, अभी भी बहुत लोग मास्क नहीं पहनते, रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया में भैया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, कल के लिए कृपया बहुत सारे छात्र मेरे भाई बहन आने वाले, कौन कहां से आ रहा नहीं पता है, तो कम से कम कल आप नॉर्मल मास्क, जैसा भी मास्क मिले आप सभी ले लेना, पहन लेना थोड़े देर के लिए, ये आपकी लाइफ जो है वो सेव कर सकता है। अपना वाटर बॉटल लेकर जाना, सैनिटाइजर मिलता है, आप छोड़ो सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, मार्केट में कमी है, एक छोटा सा साबुन मिलता है वही आप ले लेना, ठीक है। कल के लिए आप, उस कल के बाद आप बिल्कुल भी सेफ्टी पर ध्यान मत देना, लेकिन कल एग्जाम देने जो भी जा रहा है, कल बस चंद घंटे के लिए थोड़ा सेफ्टी पर ध्यान देना, ताकि आप ये भी सोचो कल आप एग्जाम देने जाएंगे वैसे माहौल में, फिर आप घर आने वाले, अगर आपके ऊपर भगवान ना करे कुछ प्रभाव पड़ा तो ये प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो डरना मत बिल्कुल भी, एग्जाम देने जरूर जाना, और हाँ लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग मास्क नहीं पहनते, लाइटली ले रहे हैं, सैनिटाइजर मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर पता है कभी कभी मजाक बहुत भारी पड़ सकता है। तो कल पूरे सेफ्टी के साथ आप सभी एग्जाम देने जाना, बेस्ट ऑफ लक सभी को, एग्जाम पक्का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, एग्जाम जो है कल का वो होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप सभी कमेंट कर पूछ सकते हैं कि भैया ये वो, और मैं बार बार बोल रहा हूं जितना आपने पढ़ाई किया है उसके बलबूते पर कल एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम बिल्कुल अच्छा सा आएगा। आपने बहुत सारे टीचर का सीजीएल का या फिर एसएससी सीपीओ का पेपर देखा होगा, सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी आने वाला है। मैंने भी आपको हर एक करेंट अफेयर हो, रीजनिंग में तो पूरा बता दिए, मैथ का भी डर बहुत कुछ आपके अंदर से निकल गया होगा, जीके जीएस सब करवाया हुआ है, बस कल के एग्जाम में ना फाड़ कराना, लेकिन सेफ्टी के साथ। सेफ्टी को बिल्कुल भी साइड में आप सभी मत रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम देने जाना है, अच्छे से देना है ताकि इस बार एग्जाम क्वालिफाई आप कर पाओ। लेकिन मेरा मानना था कल एग्जाम कम से कम पोस्टपोन्ड होना चाहिए था, और एक वीडियो मैंने डाला है थोड़े देर पहले, एक घंटा पहले एनटीपीसी के ऊपर, वो वीडियो आप कम से कम देखना, कम से कम वहां से आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा कि भैया कहीं ना कहीं हम अपने जिंदगी के अनमोल दिन बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं बस एक एग्जाम के पीछे। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर उस एग्जाम के लिए आप तैयारी किए तो उस तैयारी के बलबूते पर आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है, ताकि वो तैयारी जो है वो बस एक एग्जाम तक सीमित ना रह जाए। मैंने ये वीडियो में बताया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आपका तैयारी जो है एनटीपीसी का वो बस एक एग्जाम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके बलबूते पर, उसके आधार पर आप कितना सारा एग्जाम दे सकते हैं ये चीज मैंने उस वीडियो में बताया है। तो अच्छे से आप सभी उस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना मैं बता क्या रहा हूं, कहीं आप अपने लाइफ को वेस्ट तो नहीं कर रहे एक एग्जाम के पीछे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, कल का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, फाड़ कर आइए कल के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए।